दोस्तों, क्या आपको पता है सऊदी अरब में पानी कहाँ से आता है? क्योंकि वहाँ ना ही कोई नदी है और ना ही कभी बारिश होता है। और क्या आपको पता है मक्का मदीना के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं गुजरता है? और ये बात तो आपको पक्का पता नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे सिर्फ 1 ग्राम बनाने में 15,000 करोड़ की लागत आती है? दोस्तों, ये सारी बातें नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 3 सबसे अमेजिंग फैक्ट, जिसे जानकर आप सच में हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3, दोस्तों सऊदी अरब में पानी कहाँ से आता है? क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ ना ही कोई जमीन के ऊपर पानी है और ना ही जमीन के अंदर पानी है। अगर आसान शब्दों में कहें तो सऊदी अरब में पानी का कोई सोर्स ही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी उपयोग करता है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब में इतना पानी आता कहाँ से है? दोस्तों, अपनी प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसपास झांकने के लिए शुरू किया। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक ही बात समझी कि उनका देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। लेकिन अफसोस, ये समुद्र का पानी कोई पी नहीं सकता। अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, कैसे भी करके समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाए, कैसे भी समुद्र के पानी से नमक निकाल के अपनी जनता का प्यास बुझाया जाए। सऊदी अरब के पास समुद्र का पानी पीने लायक बनाने के लिए 2 ही तरीके थे। पहला तो बहुत ही बड़ी छलनी से समुद्र के पानी को छाना जाए, जिससे नमक पीछे छूट जाए और सब पानी आगे निकल जाए। लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना बहुत मुश्किल था। दूसरा तरीका था कि पानी को तेज ऊर्जा देकर उसे गर्म करो, इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे रह जाए और सब पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाए और दूसरे बकेट में जमा हो जाए। और यही प्रोसेस सऊदी अरब के काम आया। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके सऊदी अरब अपनी जनता का प्यास बुझाता है। नंबर 2, मक्का के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ता? दोस्तों, आपको मक्का मदीना तो पता ही होगा, जहां मुस्लिम हज करने जाते हैं और इसे अल्लाह का घर भी माना जाता है। लेकिन मक्का मदीना के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता, ऐसा क्यों? दरअसल मक्का में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको यहां पर ना के बराबर एयरप्लेन दिखते हैं। और तो और, सऊदी के गवर्नमेंट ने मक्का के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। इसी वजह से जो प्लेन ऊपर से जा रहे होते हैं उन्हें थोड़ा टर्न लेके जाना पड़ता है। और नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की कई सारी वजहें हैं, क्योंकि मक्का में कई लाखों करोड़ों लोग आते हैं और भगवान ना करे कभी प्लेन क्रैश हो गया तो मक्का के नीचे लाखों लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने मक्का के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। नंबर 1, दोस्तों वैसे तो वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कई ऐसे मटेरियल बनाकर दिए हैं जिसने हमारी जिंदगी को आसान बना दी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ऐसे पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसको सिर्फ 1 ग्राम बनाने में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? और दोस्तों, इसलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर की, जिसकी 1 ग्राम की कीमत भी इतना ज्यादा है कि इतने पैसे में कई देश खरीदे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एंटी मैटर इतना महंगा क्यों है और उसका क्या काम आता है? दोस्तों, एंटी मैटर नॉर्मल मैटर का बिल्कुल अपोजिट होता है। दोस्तों, अगर आप 1 ग्राम एंटी मैटर को जमीन पे गिरा देते हैं तो वो परमाणु विस्फोट से 2 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। ये तो बात हुई विस्फोट की, लेकिन क्या आपको पता है, साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है, एंटी मैटर कई तरह के कैंसर जैसे बीमारियों को खत्म करता है। और तो और, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है अगर हम एंटी मैटर को रॉकेट फ्यूल की जगह यूज करें तो वो लाइट के स्पीड से 50% स्पीड तक एक्सीलरेट करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत देश।